लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे तुम्हारे सितारे बहुत मिलते हैं। आज तक जितनी भी स्कीमें सोची सब कामयाब। और जानती हो क्यों? इसलिए कि मैं जब भी कोई स्कीम सोचता हूं कामयाबी चूमते हुए सोचता हूं। फिर शुरू हो गए? तुम्हारा दिल नहीं भरता? कामयाबी से कभी किसी का दिल भरता है, और मैं तो हर वक्त शुरू रहना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द सारी दुनिया की दौलत अपने कब्जे में कर सकूं। इतनी दौलत लेकर क्या करोगे? खुशियों के सारे सामान खरीदूंगा और फिर अपनी कामयाबी को अपनी बाहों में समेटे हुए जिंदगी भर उसमें सिमटता रहूंगा। छोड़ो, रेखा से भी तुम ऐसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। रेखा? वो तो महज एक सपना था, आंखें खुला हुआ सपना। आज से करीबन 5 साल पहले मैं पुलिस की गोलियों से बचता हुआ भाग रहा था। कहाँ चला गया? चलो तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ।
मेरी जान खतरे में है, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूं। देखा, तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे दुश्मनों से बचाया और तुम्हारी देखभाल ने कुछ ही दिनों में मेरे जख्म भी भर दिए, और इन्हीं कुछ दिनों में तुम मेरे दिल और दिमाग पर इस तरह छा गई हो कि अगर मैं इस तरह जाना भी चाहूं तो तुम यहां से चले जाओगे? नहीं, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। और कुछ दिनों बाद हमारी शादी भी हो गई, और जिस रात मुझे मालूम पड़ा कि मैं बच्चे का बाप बनने वाला हूं, उस रात कौन? पुलिस। फिर सोचा जाऊं या ना जाऊं, और फिर बिना सोचे समझे रेखा को छोड़कर चला गया। रेखा से वो मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात थी। क्यों, तुम दोबारा उसे नहीं मिले? मिलने तो गया था, लेकिन पता चला वो मकान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली गई। बहुत तलाश किया लेकिन लेकिन तुम जो मिल गई। उठो बेटा। मेरी माँ की दवाई गिर गई, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, मेरे पास दूसरी दवाई के पैसे भी नहीं है। जैक, ये सर, उस बच्चे को दे दो। चलो, ओके सर, ये लो बेटा, इससे दवाई खरीद लेना। हाँ, मामा, मैं दवाई ले आया, मैं सारी दवाई ले आया। अच्छा हुआ बेटे, तू मेरे जाने से पहले ही आ गया। कहाँ जा रही हो माँ? बहुत दूर बेटे, जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। फिर मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। बेटा ना, वो लिया बेटा, वो भगवान की तस्वीर। माँ, ये किसकी फोटो है? माँ, तुम्हारे पिताजी की। पिताजी की? नहीं ढूंढना बेटे। माँ माँ उठो, माँ 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 आँखें खोलो, माँ 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 माँ। सरकार ने 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, अब इन नोटों की कीमत रद्दी के टुकड़ों से ज्यादा नहीं रही। सरकार की इस पॉलिसी से हमें 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान कैसे पूरा होगा सर? 2 करोड़ जमा करने में तो 2 साल लग जाएंगे। दूसरों के लिए, जाने के लिए सिर्फ 2 दिन। क्या तुमने कोई स्कीम सोची है? रीता, जाने बिना सोचे कुछ नहीं बोलता। खबर मिली है, आज से 2 दिन के बाद हवाली एस्टेट के महाराजा का पूरा खजाना नीलामी के लिए बॉम्बे लाया जाएगा, लेकिन हम रास्ते में ही उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। कैसे? क्या सरकार ने हिफाजत के इंतजाम नहीं किए होंगे? और सर, खुलेआम पुलिस का मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन है। जॉनी के लिए कुछ नामुमकिन नहीं, जॉनी जो सोचता है वही करता है।
चाहे पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट की मदद होने के बावजूद हम कई गार्ड्स के कातिल और सोना गायब करने वाले उस आदमी का पता अभी तक नहीं लगा सके। शर्म की बात तो यह है कि आज असेंबली में इस बारे में सवाल उठाया गया और हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन सर, मैं एक बार फिर उस कॉन्फिडेंशियल फाइल का जिक्र करूंगा जिसमें मशहूर सिंगर और डांसर जॉनी का नाम लिखा हुआ है। सिर्फ नाम लिखने से आप किसी शरीफ शायरी को मुजरिम नहीं मान सकते, शक तो आप मुझ पे भी कर सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए कोई सबूत चाहिए। आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने जानी के बारे में कोई सबूत हासिल किया है? और जानी तो शहर का एक मशहूर और अमीर आदमी है, वो ये जुर्म क्यों करेगा? लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि उसका नाचना और गाना एक दिखावा हो और असलियत कुछ और हो। लेकिन ये दलील उस सबूत को जन्म नहीं दे सकती जिस सबूत की हमें तलाश है। एनीवे, मैंने आप लोगों का एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां बुलाया है कि इस केस को हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सीबीआई ऑफिसर आ रहा है और आप लोगों का फर्ज है कि उनकी पूरी तरह से मदद करें। उनका नाम है मिस्टर असलम खान। मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, सीबीआई ऑफिसर मिस्टर खान, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सुना है कि आप राजधानी का तख्त छोड़कर बंबई शहर में आ गए हैं। अजी दिल्ली तो क्या, बंबई के मशहूर सिंगर और डांसर जॉनी से मिलने के लिए तो लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपका बहुत नाम सुना है। नाम तो काम से होता है जॉनी साहब, वैसे मुझे यहां बुलाने की वजह? वजह में क्या रखा है खान साहब, समझ लीजिए ये एक मिलने जुलने का बहाना है। Cheers to this pleasant evening। जी नहीं शुक्रिया, मैं तो इस मुलाकात के नशे का मजा लेना चाहता हूं। जैसे आपकी मर्जी। वैसे सुना है कि आप एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम की तलाश में बॉम्बे आए हैं जो आज तक आपसे बचता रहा। ज्यादा दिन नहीं बचेगा। वैसे सच पूछिए तो आपके कारनामे देखने की ख्वाहिश ही हमें दिल्ली से यहां तक ले आई है। मैं तो खुली किताब हूं साहब, देखने वाले देखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं और समझने वाले समझते हैं। You're right। खान साहब, अगले संडे मेरा ट्रूप एक शो कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इस शो के चीफ गेस्ट बने। ये शो पुलिस की विधवाओं के रिलीफ फंड के लिए है, नेक काम है, ना मत कीजिएगा। हम आपकी दावत इस शर्त पर कबूल करते हैं कि जब हम आपको बुलाएंगे आप हमारी दावत ठुकराएंगे नहीं। श्योर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज के प्रोग्राम में यही म्यूजिक बजेगा और म्यूजिक के आखिरी हिस्से में ड्रम के चार बीट के बाद सिंबल के दो बैंग हैं। सिंबल के दो बैंग, राइट। और तुम्हें सिंबल के दूसरे बैंग पर गोली चलानी होगी ताकि गोली की आवाज म्यूजिक के शोर के साथ दब जाए। ओके सर। और एक बात, तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि जॉनी हर मौके को आखिरी मौका समझता है। गुरनाम अपना काम अच्छी तरह जानता है सर, गोली ठीक उस सीबीआई ऑफिसर के सर को बीच से चीरती हुई निकल जाएगी। म्यूजिक फिर से एक बार सुन लो। ये दोस्ती ना टूटे हमारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी, बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी। मेरी आवाज के दोस्तों, दोस्ती ना टूटे हमारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी, बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी। ये दुनिया सारी।
ये शाम है, छल का ये दिल का जाम है। हर गीतों भरी ये शाम है, छल का ये दिल का जाम है। जॉनी है मेरा नाम यारो, सबको मेरा सलाम है। महफिल का ये रंग न टूटे जब तक सुबह न हो। हे मेरी आवाज के दोस्तों, ये दोस्ती ना टूटे हमारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी। बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी। बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी। जब तक रहे निशानियां, अरे जब तक रहे जवानियां, तब तक रहे निशानियां। बन जाए कोई ऐसी बात जिसकी बने कहानियां। मैं तुम सबको याद करूं, सब मुझको याद करो। के दोस्तों, ये दोस्ती ना टूटे हमारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी। बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी। गोली छूकर निकल गई। जी हाँ, बच गया। यूं कही कि आपकी गोली ने बचा लिया। जी नहीं, मेरी गोली से आज तक कोई नहीं बचा। वो देखिए, लाश सामने पड़ी है, लेकिन मेरी गोली सिर्फ दुश्मनों पे चलती है। दोस्त और दुश्मन की बहुत अच्छी पहचान है आपको। शुक्रिया। ये रिवॉल्वर
लाइसेंस है। नेचुरली, इसीलिए आप हमेशा स्टेज पर भी इसे अपने साथ रखते हैं। क्या आपको भी दुश्मनों का खतरा है? लेकिन घबराइए मत, अब आप हमारे दोस्त बन गए हैं, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ये बेचारा तो अपनी जान से गया, लेकिन इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसका खेल भी बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। बाय द वे, आपका खेल, आई मीन आपका शो बहुत अच्छा था। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुरनाम जॉनी की गोली से ना मारा जाता तो पुलिस की गोली उसकी जान ले लेती, और अगर वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता तो हम सबके लिए खतरा हो सकता था। हमें गुरनाम की मौत पर अफसोस है, लेकिन ऐसी गलती माफ नहीं की जा सकती। एनीवे, आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सुप्रीमो 2 घंटे के लिए बॉम्बे आया हुआ है, मेरी उनसे अपॉइंटमेंट है। अगर हमें सुप्रीमो के साथ काम करने का मौका मिल जाता है तो हमें हर साल अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। गुड लक जॉनी। थैंक यू। गुड लक सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सुप्रीमो। मैं आपके लिए क्या कर सकता? जॉनी, सुप्रीमो ने तुम्हारे बारे में सब पता करने के बाद यह फैसला किया है कि तुम चाहो तो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भारतीय एजेंट बन सकते हो। यह मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन ये मेरे साथ ना इंसाफी है सुप्रीमो। मैं इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तुम दूसरी गलती कर चुके हो और सुप्रीमो कभी दूसरी गलती माफ नहीं करता। तो तुम्हें हमारी ऑफर मंजूर है? यस सुप्रीमो। गुड, आज से तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हो। थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन के पास हर एजेंट को 1 करोड़ का सोना बतौर जमानत रखना पड़ता है। तुम कब जमा कर सकते हो? मैं कल ही जमा कर सकता हूं। कल नहीं, कुछ दिनों बाद तुम्हें मैसेज भेज दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पूरे बिजनेस के ऊपर 10% कमीशन और तुम्हारी सारी मैन पावर का खर्च देगी। थैंक यू। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, हमारे यहां गलती करने वालों का अंजाम। बिजनेस में ईमानदारी और काम में होशियारी एक दिन तुम्हें भी सुप्रीमो बना सकती है। थैंक यू। जॉनी, दरवाजा इस तरफ है। जॉनी जिस रास्ते से आता है उस रास्ते से वापस नहीं जाता। I
I'm sorry. Khan sahab. Hello. आप यहाँ? खैरियत तो है? Don't worry, Johnny. अपने लिए मुझे अभी कॉफिन की जरूरत नहीं है. अरे हाँ, आपको तो दूसरों के कॉफिन की ज्यादा फिक्र रहती है. सिर्फ मुजरिमों के. और इसके लिए काफी बदनाम भी हूं मैं. अक्सर मुजरिम मेरे हाथों गिरफ्तार होने की बजाय कॉफिन में आराम से लेटकर हमेशा के लिए सो जाना ज्यादा पसंद करते हैं. बड़े खुशकिस्मत होंगे वो. और हमें तो खान साहब नींद ही नहीं आती. रियली? जी हाँ. आएगी आएगी, थोड़ी भागदौड़ कम किया करो. चाहता तो हूं खान साहब, लेकिन क्या करें, आप जैसे मेहरबान पीछा ही नहीं छोड़ते. और आप तो जानते हैं मुझे अपने से ज्यादा औरों का ख्याल रखना पड़ता है. अच्छा तो मैं चलता हूं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है. शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं, और आपके लिए भी. आपके लिए फूल ले लूं? नो थैंक्स मिस जानी. मेरे शहीद दूसरे किस्म के हैं, और मेरी श्रद्धांजलि भी दूसरे किस्म की है. मेरा ख्याल है आपको देर हो रही होगी. जी हाँ जी हाँ. जिंदगी में करना तो बहुत कुछ है खान साहब, लेकिन वक्त बहुत कम है. कभी कभी सोचता हूं अगर मैं एक की बजाय दो जोनी होता तो शायद आपको और प्रॉब्लम हो जाती. लेकिन घबराइए नहीं, गॉड ने दूसरा जोनी नहीं बनाया. अरे ये कौन सा बीज डालत हो गोपी? मालूम नहीं काका, मालिक बोए के लिए कहता है, हम बो रहे हैं. अरे ये तो पोस्ट है, नए मालिक के अफीम का धंधा करी है. अफीम? ये तो जुर्म है काका. कानून की नजर में तो जुर्म है, पर बचवा हमें क्या, हमें तो अपनी मजूरी से काम है. अरे नहीं काका, पकड़े गए तो पुलिस धर दिया हमका जेल में. अरे ओ भोलू रतना पुत्र, अरे काम बंद कर रहे हो. ये नहीं चाली काका. ये क्या कर रहे थे गोपी, तुम मालिक का विरोध कर रहे थे? अरे काहे नहीं विरोध कर, अब राम जी कहते हैं चोर की मदद करे वाला चोर होता है. हम ना ही करिए जुर्म का कम. हाँ चलो चलो, मालिक आ रहे हैं, काम करो सर. नहीं कहूँ काम ना करिए, हमें ये जुर्म की खेती हमारे गांव में नहीं कर दे. ये सब क्या हो रहा है, काम क्यों रोका है? हम काम रोका है मालिक. क्यों? आप सरसों की जगह पोस का बीज बोए दे रहे हैं, का है? ये खेत किसका है? आपका. खाद और बीज के पैसे किसने दिए? आपने. तुम नौकर किसके हो? आपके. और हमारे सामने सामान चलाते हो? मालिक रामजादे, हम इन बीजों की जगह तुम्हें गाड़ देंगे. गोपी गोपी गोपी, उठ उठ बेटा, उठ उठ. हट जा बुढ़िया. हजूर एक आना मारे छोड़ दे, बच्चा है, इसे कोनो भूल हो गई हो तो हम आपसे माफी मांगे थे. क्षमा कर दे, क्षमा कर दे हजूर. बाबू एक महीने तक इस हराम सादे को काम से निकाल दो, ये आप इसके होश ठिकाने आ जाएंगे. चलो हटो, सब काम करो, काम चौस सर, काम करो. चला चला सब काम पे चला. तो है कितनी बार समझाया गोपी कि दूसरे के मामले में तू न बोला कर, लेकिन तुहार जबान बंदा ही नहीं हो. तो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलू का? नहीं, न्याय और अन्याय का फैसला करे वाला भगवान है, वही सजा देता है, वही न्याय करता है. तो बिन अपराध हमका सजा देने वाला ये कौन होता है, ये कौन होता है? बेटा हमारी है अपराध है कि हम गरीब भाई इस संसार धन दौलत वालन का हो, जकरे पास धन है वही के आगे सब सर झुकावेला. तो हर मतलब है धन दौलत ही ताकत है? हाँ बेटा, ये लोग दौलत के ही अपन भगवान समझत है. ठीक है दादी माँ, हम भी एक दिन भगवान बना. उल्टी सीधी बातें? उल्टी सीधी नहीं दादी माँ, हम सच कहते हैं. चाबुक किन घाव की कसम, हम भी धन दौलत कमाब, और एक दिन हमरे हाथ में चाबुक होई और सामने मालिक की पीठ. हम तो कहते हैं बेटा रुक जा ना जा, शहर में कुछ नहीं रखा है. अरे नहीं दादी माँ, अब जो सोच लीन सो सोच लीन. अरे शहर में जाती हमका नौकरी मिल जाए का भैया? हाँ,
और नौकरी मिलती है हम तुम्हारे वास्ते। हाँ, छोट का दुलहिन ना। हाँ दादी माँ। अरे गाड़ी छूटत बा हम जात हई। पाई लगी दादी माँ। संभाल के जाइया बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। तू अपना ख्याल रखियो। ए बेटा। हाँ दादी माँ। रुपया पैसा संभाल के रखिया। हाँ। क्योंकि सामने न निकलिया। हाँ। और गठरी में रोटी और सत्तू रख दे ले है। भूख लगे तो खा लिया और शहर पहुंच के बेटा मंदिर में जाइया। हाँ, भगवान के याद करिया और कोनो पाप का काम ना करिया बेटा। दादी माँ तोहार सौगंध हम कोई पाप का काम ना ही करब। अपना ख्याल रखिया। हाँ, जा। हाँ, अरे काहे रोवत है। हाँ, तू चिंता ना कर, हम शहर पहुंचते ही चिट्ठी लिख दे। प्रणाम। बिना माँ बाप का बच्चा हो एक रक्षा करिया। राम जी, सुखी चाचा तो ठीक कहत रहे, यहां तो मकान देखा देखा टोपी गिर जाए। अरे अरे राम जी जरा बच के रहियो, अब दिन दूर ना ही जब आदमी तुहार घर में आकर रही। हाँ हमारा सामान कहां गवा भाई साहब? हमारा तो बहन जी है, हमका भूल हो गई, क्षमा। साड़ी। साड़ी? ये कहाँ साड़ी पहनी है? अरे कैसन शहर है, साड़ी घर भूल रही है और हमसे मांगा था साड़ी। हमारा सामान चोरी हो गवा। हाय राम जी। बरसात की एक रात देखी? देखी। तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लागत है भूखा ही रहेगा पड़ी। पनी चाय प्यार। पिताजी 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 उठो पिताजी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बेटा? अरे ये कैसन शहर है राम जी, देखो हमार तो अभी तक लगन भी नहीं भाया और तुम हमका बाप बना दिए। बेटा हम तो हर बाप ना ही है। बाप नहीं हो तो मुझे बेटा क्यों कहा? मैं सब जानता हूँ, तुम मम्मी से लूट कर चले गए थे। ये मामी कौन है भाई? मेरी माँ, बिचारी कितनी रोती थी, जब भी मैं तुम्हारे बारे में पूछता बोलती थी कि तुम्हारे पिताजी आएंगे, लेकिन तुम नहीं आए पिताजी और वो चली गई। चली गई? अरे कहाँ चली गई? भगवान के पास। बिचारी बहुत बीमार थी और मर गई। मरते वक्त माँ ने कहा था कि अपने पिताजी को ढूंढना। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था पिताजी, लेकिन तुम नहीं मिले। देखो चल चल के मेरे पांव भी छोटे हो गए। अरे बेटे। पिताजी अब मुझे छोड़ के नहीं जाना। नहीं बेटे, तेरा भी इस शहर में कोई नहीं, मेरा भी इस शहर में कोई नहीं। पिताजी ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं करता, तुम मुझे ऐसा प्यार करोगे? हाँ। रोज? हाँ। तो मुझे घर ले चलो। घर? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन बेटे तुम्हारा नाम कहाँ है रे? तो मैंने बोलूँ मेरा नाम राजू है। देख राजू बेटे, इस शहर में हमारा बहुत नुकसान होगा बा, हमारा सामान चोरी होगा बा, अब खिसा में 10 पैसा भी नहीं। 10 पैसा नहीं तो लो, मैं देता हूँ। बेटा ये 10 पैसा मां
खाना ना मिली है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे भूखा ही रह लूंगा, मुझे भूखे रहने की आदत है। बस तुम मुझे छोड़ना नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, रोटी भी नहीं। अरे जो भगवान को मंजूर। देखा राजू बेटे, लगता है आज भगवान भी भूखे हैं, थाली में प्रसाद भी नहीं। लेकिन तू चिंता ना कर, हम तुम्हारे वास्ते खाना लेकर आए हैं, तू यहीं बैठा। मैं भी आऊंगा, नहीं तो तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे। अरे नहीं बेटा नहीं, हम तोका छोड़कर कहीं ना जाए। हम राम जी की कसम खाते हैं, आज के बाद हम तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ा। हाँ तू यहीं बैठ, जल्दी आना। हाँ बेटे हम जल्दी आए। माँ मेरे पापा मुझे मिल गए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ले भगवान अभी तू इस फोटो को संभाल ले, जय राम जी की। कब तक इंतजार करवाएगा ये जॉनी? मैं उम्र भर तक इंतजार कर सकती हूँ अगर वो सिर्फ मेरे लिए आए तो। बहुत देर लगा दी, पता नहीं क्या हो गया। बहन जी। अरे जॉनी साहब आप। पूछी वाली बहन जॉनी, कोने की शादी हो रही का? हाँ, आपकी हमसे। यह खाना मिली का? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। अरे आप तो बड़े मजाकी आदमी हैं। अरे हम तो बहुत मजाक किया थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉनी, क्या सरप्राइज दिया है आपने? जानी, ये जानी कौन है भाई? हमारा नाम तो गोपी है, गोपी। आप अंदर आइए ना। हमारे पास पैसा नहीं। आप अंदर तो आइए। भीतर आइए ना। लीजिए हम भीतर जा रहे हैं। आइए ना। लीजिए अब आप रिबन काटिए। ये फीता काटे की बाद ही खाना मिली है। हाँ। की क्या जरूरत ही लो। राम जी ये बिन बादल बिजोरिया कैसी? बिजलियां तो आप गिरा रहे हैं हमारे दिल पर। कसम राम जी की हम जानबूझकर कर ना गिराई, आप ही गिर गई हुई है। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति तो फौरन रास्ता दिखाइए ना, राजू हमारे इंतजार करत हुई, बहुत भूख लगी है। राजू कौन? राज कपूर को राजू कहते होंगे। ओ राम जी क्या सजाया है, मजा आएगा वहाँ। सब आप ही के लिए तो है। हमारे लिए? आइए इधर। बहुत सुंदर है। बैठिए बैठिए ना। आपने तो वादा किया था कि आप खाना हमारे साथ खाएंगे। अरे आप बोलो तो दुई भगत का खाना हम आपके साथ खाए। पर ये भगत नहीं, काहे के वो राजू है ना, राम मंदिर में हमारा इंतजार कर रहा था। लेकिन हम आपसे गाना जरूर सुनेंगे। हाँ गाना। हम समझ गए, तुम लोग भजन सुनना चाहते हो क्या? लेकिन आप लोग सुने नहीं कि भूखे भजन ना होए गोपाला। हाँ बहुत शरीर है, सुनो। आप भी बहुत शरीर हैं। इनके लिए खाना पैक कर दो। मैं मिस्टर जॉनी की तरफ से बोल रही हूँ, उनकी फ्लाइट दिल्ली से आने में लेट हो गई है और वो आपके रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर नहीं आ पाएंगे। व्हाट, क्या कह रही हैं आप? मिस्टर जॉनी तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपके सामने बैठे हैं? जी हाँ। And for your kind information, रेस्टोरेंट का उद्घाटन हो चुका है। Strange, लगता है प्लेन आ गया और जॉनी सीधा वहाँ चला गया। मैक, yes? जॉनी साहब के लिए गाड़ी गोल्डन गेट ले जाओ। हमारा नहीं, वो तो अपना फिल्म का है। लेकिन हम जिसमें सीता बनत है ना, रामलीला। ये लीजिए। बहुत मजेदार खुशबू आई रही है। तो हम चली। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल आई तो खाना मिली है का? नहीं नहीं, कल आपको यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाना होगा। कोई बात नहीं, हम तो हाथ साथ बैठ के खाना खाएंगे। वैसे शादी और कितने दिन चली?
अभी तो बात शुरू ही हुई है, शादी तक ले जाना आपके हाथ में है। पता नहीं आप क्या कहते हो, पर ये बात जरूर है, शादी से पहले अगर ये धूमधाम है तो शादी के वक्त का हुई ना। हम आएंगे, जरूर आएंगे। जय राम जी की। जय राम जी। राजू, अरे राजू बैठे, देख हम तुम्हारे वास्ते कहाँ लाए हैं। बैठ, इस डिब्बे में हम तुम्हारे वास्ते खाना लेकर आए हैं। वो रहे जॉनी सर, ले खा बेटे, खा। हाँ, और ले। गुड आफ्टरनून बॉस, हम लोग गोल्डन गेट गए थे आपको ढूंढने के लिए, वहां पता चला आप राम मंदिर गए, शहर के सारे राम मंदिर छान मारे, आके आप यहाँ मिले। कहाँ है भाई? आपको लेने आए हैं। कहाँ लेकर जाइए? आपके घर। चलिए पिताजी। हा? पिताजी आपका घर भी है, आप तो कहते। अरे बेटा हमार का है, हमका खुदा ही नहीं मालूम। अरे भाई कौन लोग हो तुम? आपके नौकर। सुना तो का, ए राजू खाना भी मिल गवा, नौकर भी है, गाड़ी भी। तो घर भी चलकर देख ले। हाँ। अरे भाई सुखी चाचा ठीक कहत रहे, इस शहर में कब का हुई जाए कछु नहीं मालूम। चल बेटे। अरे चलो भाई हमका घर ले चला। बैठी। अरे वाह, ये तो बड़ा आलीशान बंगला है राजू, ये तो हर है का? काहे को मजाक कर रहे हैं? रे राजू, अरे मजा आई गवारे, बहुत सुंदर बंगला है भाई, बहुत सुंदर। बैठिए साहब। अरे नहीं, हम बहुत खाना खा लिए हैं, तुम लोग बैठो जी। अरे बैठो। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हम कहता बैठो, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ। अरे वाह, तुम लोग खड़े हो गए। आप ही ने कहा खड़े हो जाओ, तो हम जो कहिए तुम लोग करियो। का करना ही पड़ेगा, हम सब आपके हुकुम के गुलाम हैं। हम तो आपके इशारों पर नाचेंगे। अरे इशारे की क्या बात है भाई, हमारे पास बांसुरी है, हम धुन बजावा थे, नाचो। पिताजी मैं भी नाचूं? हाँ हाँ बेटे तू भी नाच ले। कोई नाच है का? इतना ही आता है साहब। देखा हरिता। हाय जॉनी, आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। अरे वाह, बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ एक सेकंड के लिए तो मैं भी धोखा खा गई थी। नए मेहमान से मिलोगे? हाँ। साहब को नीचे ले आओ। सर चलिए अब नीचे चलते हैं। अरे नीचे का है, ऊपर का आना चलिए। सर चलिए ना प्लीज। ठीक है चल राजू। साहब इनको इधर ही आराम करने दीजिए। ठीक है, ठीक से देखभाल करियो भैया। चलिए। ए राजू हम आवत है। अरे वाह, ये तो गजब ही गवा, समझ में ना ही आवत है कि दीवार में दरवाजा है कि दरवाजा में दीवार। प्लीज आइए। चलिए। बड़ा शानदार है यहाँ। अरे इतना बड़ा शीशा रास्ते में रखा है, अरे हटाओ इसे। अरे
ये कैसन लीला है राम जी, कहाँ आ गया मैं? अरे ये कैसन शहर है, यहाँ सामान तो सामान लोग सुरते भी चोरी कर लेता है का? ए भैया, तू मैं हूं कि मैं तू है? मेरा नाम जॉनी है, तुम्हारा नाम? गोपी, हम गांव से आए हैं नौकरी की तलाश में। तो समझो तुम्हें नौकरी मिल गई, क्यों? अरे बा राम जी, ए भैया हमें करना क्या पड़ी है? तुम्हें जॉनी बनना होगा। का मतबल? भगवान ने हम दोनों को एक ही जैसी शक्लें दी हैं, लेकिन हमारे उठने बैठने बोलने चालने जैसे बहुत से फर्क हैं। इन फर्कों को दूर करना होगा, यानी कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। ए भैया, ये फर्क दूर करने की नौकरी में कोई पाप तो नहीं? देखो भैया, हम तो हमारी दादी माँ को वचन देकर आए हैं, हम कोनो पाप का काम नहीं करिए। हाँ, इसका मतलब तुम एक सच्चे आदमी हो, धार्मिक हो, भगवान को मानने वाले हो। बिल्कुल, हम तो राम के भगत हैं। तब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं अपने देशवासियों के लिए एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहा हूं। का गोभी, मैं एक ऐसी खाद बनाना चाहता हूं जिससे खेतों में दो तीन की बजाय 12 फसलें होंगे। 12? मतलब हर महीने में नई फसल? हाँ, मैं मुल्क से भूख और गरीबी हटा देना चाहता हूं। ए भैया जल्दी करो ना, हम तो साथ हैं। गोपी, मेरी इस खाद के बारे में अगर अपने देश के दुश्मनों को पता चल गया तो वो मुझे खत्म करके ये फॉर्मूला अपने देश ले जाएंगे और हमारा देश भूखा और गरीबी रह जाएगा। इसलिए मैं अपना काम छुपा कर करना चाहता हूं, लेकिन मैं अगर अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से ना मिला तो उन्हें शक हो सकता है। इसलिए जब तक ये खाद तैयार ना हुई जाए हम जानी बनकर लोगों से मिलब। लेकिन भाई, हम जानी बनब कैसे? रीता, गोपी को एक महीने के अंदर अंदर जॉनी बना दो। सुना भैया जानी, हम तो जानी बन जाइए, लेकिन हमारा जो हमारे साथ रही वे वो सब इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोलो। दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? वो, अरे वो तो हमारी दादी माँ है, गांव में रात है। तो दादी माँ की कसम खाओ, हमारा भेद किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, हम दादी माँ के चरणों की सौगंध खाते हैं, हम मर जाइए लेकिन ये भेद किसी को नहीं बताई बे। हाँ, एक बात और, हम दोनों एक ही घर में हैं, तुम ऊपर के घर में और मैं यहां मतलब नीचे के घर में, लेकिन इस घर से बाहर जाते वक्त तुम मुझे बता कर जाओगे और मैं तुम्हें बता कर जाऊंगा कहां जा रहा हूं, ठीक है? एक वक्त में हम में से एक ही आदमी घर से बाहर रहेगा। समझ गए। रीता, आज से ट्रेनिंग देना शुरू कर दो।
मिता। वो गोपी है, जॉनी नहीं। इतना बड़ा धोखा कैसे खा गई? हाँ, वाह गोपी वाह, वेरी गुड। और शराब गोपी। I'm Johnny. Yes. नहीं, ये नामुमकिन है। जॉनी के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। आओ रीता। Come on, रीता। जॉनी मैं हूँ। Come on, रीता। Come on, जॉनी मैं हूँ। Thank you.
बदन दो हसी नौजवान देखो दोनों में जैसे है एक जान देखो ये तो बदन दो हसी नौजवान देखो दोनों में जैसे है एक जान देखो जादू सा छा गया धोखा में खा गया जादू सा छा गया धोखा में खा गया क्या करेंगे लोग भला अनजाने कौन कौन है ये कौन जाने ये तू मैं बन गया मैं तू बन गया बदल गए हम बम चिक बम बम बदल गए हम बम चिक बम बम ये मैं जानू या तू जाने कौन कौन है ये कौन जाने ये तू मैं बन गया मैं तू बन गया जॉनी हेलो हेलो मैं मिस्टर जॉनी से बात करना चाहती हूँ मैं ज्योति बोल रही हूँ अरे ज्योति जी कैसी हैं आप अरे आज तक मैं आपके होटल का खाना भूल नहीं पाया और हमें लगता है हमें तो आप भूल ही गए आपको कैसे भूल सकता हूँ आपने इस भूखे की भूख जो मिटाई है लेकिन आपने तो कहा था कि आप रोज खाना खाने आएंगे लोग अगर आप चाहते हैं तो हम अभी पहुँचते हैं होटल में ठीक है मैं भी 10 मिनट में होटल पहुंच रही हूँ ठीक है मैं आपको मिलता हूँ सी यू बाय बाय नहीं दे रहा ज्योति डॉक्टर डॉक्टर अंधेरा क्यों है ज्योति आई एम वेरी सॉरी मिस ज्योति दिमाग पर चोट लगने से आपकी ऑप्टिक नर्व हमेशा के लिए दब गई है डॉक्टर क्या ये कभी नहीं देख सकेगी नहीं ये क्या कर रही हैं आपको अभी 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब आप बयान ले सकते हैं मिस ज्योति मैं सब इंस्पेक्टर राणे हूं इस एक्सीडेंट के लिए मिस्टर जॉनी के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहें मुझे लिखवा दीजिए नहीं इंस्पेक्टर साहब इस एक्सीडेंट के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं मिस्टर जॉनी का इसमें कोई कसूर नहीं मिस ज्योति पुलिस ने मिस्टर जॉनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है अदालत में आपका बयान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है जी नहीं मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देना क्यों आपको किसी का डर है डर नहीं तो फिर आपको स्टेटमेंट देने में क्या एतराज है बयान देना ना देना इनकी मर्जी पर है इंस्पेक्टर आप किसी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और फिर सारा शहर जानता है कि मिस्टर जॉनी बहुत शरीफ आदमी है ये एक्सीडेंट इन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा एम आई राइट मिस ज्योति जी हाँ इस हादसे को मेरी बदकिस्मत ही समझिए नाउ प्लीज
पेशेंट को आराम करने दीजिए। श्योर डॉक्टर। हाय इंस्पेक्टर रानी। कसूर सब मेरा ही था ज्योति, तुमने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता क्यों नहीं दिया? उससे क्या मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाती? जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, एक लड़की मेरी गाड़ी से टकरा गई। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्यों, क्या कर लेते तुम? मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, जानते हो वो अंधी हो गई है। मेरे हाथों एक लड़की की आंखें चली गई इन दुष्ट हाथों से। जॉनी, उस लड़की का कोई नहीं है, और मैंने फैसला कर लिया है मैं उसे यहां ले आऊंगा, वो मेरे साथ रहेगी। गोपी, एक घर है, कोई होटल या धर्मशाला नहीं। नहीं, उस लड़की के साथ तुम्हारा यह रहना नामुमकिन है। नहीं, अरे हाँ हाँ, मार दो हमें, हमें यह रहना ही नहीं है। अरे तुमने तो मुझे जॉनी बनकर रहने को कहा था, अगर नहीं चाहते हो तो हम अभी जाते हैं अपने गांव। नहीं गोपी, मुझे तो आज खुशी है, आज पहली बार तुमने जॉनी के सारे तेवर, सारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। Keep it up, boy. Keep it up. Thank you, doctor. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरी देखभाल की। आप यहाँ से कहाँ जाएंगी? हॉस्पिटल की गाड़ी आपको छोड़ देगी। हॉस्पिटल की गाड़ी तो आज छोड़ेगी डॉक्टर, मुझे तो जिंदगी भर अपना सहारा आप बनना है। ये लीजिए, ये वही छड़ी है ना, लाल और सफेद, अंधों की आंख। थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर। जॉनी। हाँ ज्योति, जो गलती मुझसे हो गई उसे सुधारना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन तुम अगर मुझे अपनी जिंदगी का सहारा समझ सको तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आओ। आओ ज्योति, यह है हमारा घर और आज से तुम यहीं रहोगे। आओ। ये कौन सी जगह है? यह है हमारा हॉल और उसके ठीक सामने डाइनिंग रूम, और इस तरफ यानी कि लेफ्ट को मेरा रूम। आओ। और यहां तुम्हारे ठीक दाहिने तरफ सीढ़ियां हैं जो सीधी लाइब्रेरी तक जाती हैं, और यदि वहां इतनी सारी किताबें हैं कि किताबें, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गुड डे सर। प्रीता, तुम? ये पंचकनी स्कूल से लेटर आया है, राजू को एडमिशन मिल गई, नेक्स्ट मंडे से स्कूल खुल रहे हैं। गुड, थैंक यू। आओ, तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखा दूं। ये लड़की कौन थी? मेरी सेक्रेटरी प्रीता। और राजू कौन है? मेरा बेटा समझो। क्या मतलब? ये मैं बाद में समझाऊंगा। आओ। यह है तुम्हारा बेडरूम, और ये रूम सीढ़ियां चढ़ते ही लेफ्ट को है। बैठो। अरे राजू, छिप क्यों गए? आओ आंटी से मिलो। नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है? आओ। वो देख लेंगी मैं नंगा हूं। नहीं राजू, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ राजू, एक एक्सीडेंट में आंटी की आंखें चली गई। आओ। ओह,
तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं। तुम्हारी आंखें नहीं है तो क्या हुआ आंटी? तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तू बहुत अच्छा है राजू, बहुत प्यारा है। आंटी आप भी बहुत अच्छी हो, आंटी आप भी बहुत सुंदर हो, आप मेरे से दोस्ती करोगी ना? हाँ जरूर करूंगी। आ राजू कपड़े पहना देता हूँ। लाइए मैं पहना देती हूँ। लाइए ना, मैं और राजू अब दोस्त हैं। दादी तुम चुप क्यों हो? नहीं तो। आंटी तुम चुप क्यों हो? मैं? नहीं तो। मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? दादी तुम आंटी से प्यार करते हो। शैतान कहीं का। आंटी तुम दादी से प्यार करती हो, ओ आंटी तुम दादी से प्यार करती हो, लेकिन मुझसे डरते हो। बुरा मत मानना, बच्चा है। कहने दो ना, अच्छा है। ला ला ला। चलो उतरो उतरो नीचे जल्दी। आगे आगे तुम चलो, मैं पीछे पीछे, ओ चोरी से तुम आके चार करते हो, दादी तुम आंटी से प्यार करते हो। ये चॉकलेट और चुप हो जाओ। अच्छा तुम मुझे रिश्वत देते हो? ओ यानी के तुम इकरार करते हो, ओ दादी तुम आंटी से प्यार करते हो। बात क्या हुई, आंसू निकले खोई हंसी। आंटी ने मुझे पप्पी जो दी, मम्मी के मुझे याद आ गई। आंटी को डैडी मेरी मम्मी बना दो, मुझसे अगर तुम प्यार करते हो, ओ डैडी तुम करते
कहो, गोपी का उस लड़की को यहां रखना ठीक नहीं है। जानता हूं, लेकिन मैंने उस पर अरबों का दांव लगाया हुआ है। एक बार ये दांव जीत लेने दो, फिर देखना गोपी का नामो निशान नहीं रहेगा। वैसे भी तो वो लड़की अंधी है, हम क्या करते हैं, उसे क्या दिखाई देने वाला है। हेलो, सुप्रीमो से बात कीजिए। हाय सुप्रीमो, गुड डे। तुम वो खजाना देने वाले थे? ओह यस, चाहो तो अभी डिलीवरी ले सकते हो। कहाँ? मंकी हिल के पीछे वाली दलदल के पास। के महाराजा का अरबों रुपए का खजाना। आई सी। सॉरी जाने, तुम स्मार्ट जरूर हो, लेकिन स्टेट गार्ड्स तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। यह नकली है। ये कैसे हो सकता है, इतने गार्ड्स, इतनी हिफाजत। ये सब तुम जैसे स्मार्ट लोगों को चकमा देने के लिए है। जब तुम नकली खजाने का पीछा कर रहे थे तो हलियर के महाराज असली खजाने को अपनी जगह पर पहुंचा रहे थे। ओह शिट। कोई दूसरी स्कीम सोचो जानी। मैं तुम्हें लाखों से करोड़ों में देखना चाहता हूं, इसलिए एक महीने का वक्फा और देता हूं। सुनो, एक तरीका है। 12 साल बाद अगले हफ्ते जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की रथ यात्रा निकलने वाली है। अगर वो मूर्ति तुम मुझे लाकर दे दो तो समझ लो मुझे तुम्हारी जमानत मिल गई। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, हाय रीता। हेलो गोपी, जॉनी को आज लाइन म्यूजिकल फंक्शन के उद्घाटन पर जाना था, लेकिन आज वो बिजी है, इसलिए तुम वहाँ अभी अभी चले जाओ। अच्छा अच्छा, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। सी यू रीता। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। बाहर बारिश हो रही है ना? हाँ। ठहरो, मैं तुम्हारा ओवरकोट ले आती हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बाय। मेरे ख्याल से आप सबको हमारी रथ यात्रा की पूरी स्कीम समझ में आ गई होगी। यस सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। गुड। लोगों भी आ गया, अब हम बाहर जा सकते हैं। चलो रीटा। हाय। अरे आ गए तुम। हाँ। तुम्हारा ओवरकोट? ओह, अभी ले आया। अगर सारा काम प्लान के मुताबिक हो गया तो अगले सोमवार 2 करोड़ रुपए की किशन मूर्ति जॉनी के हाथों में होगी। मेरा कोट। थैंक्स, गुड नाइट।
सारा काम प्लान के मुताबिक हो गया तो अगले सोमवार 2 करोड़ रुपए के किशन मूर्ति जॉनी के हाथों में होगी। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर ज्योति बोल रही हूँ। अगले सोमवार को जॉनी रथ यात्रा से मूर्ति चुराने वाला है। हाँ, ये लोग अभी भी मुझे अंधी समझते हैं। ज्योति, ज्योति आ गए तुम? हाँ। ये लो प्रसाद, अब मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। कुछ क्यों, मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। कल राधा कृष्ण मंदिर से रथ यात्रा निकलेगी, मुझे वहां ले जाओगे? क्यों नहीं, मैं खुद वहां जाने की सोच रहा था। मुझे पता था तुम ना नहीं करोगे। अच्छा ये बताओ, भगवान से तुम मेरे लिए क्या मांगोगी? अगर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो कल ही फैसला हो जाएगा। जज साहब, सजा जरा लंबी सुनाना, ये मुजरिम जिंदगी भर के लिए गिरफ्तार होना चाहता है इन बाहों में। हेलो, हाँ अच्छा मैं आता हूँ, एक जरूरी काम आ गया, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाय गोपी, कल मेरी जगह तुम्हें सीबी ऑफिसर खान के साथ स्नूकर खेलना होगा। नहीं नहीं, कल तो मैं ज्योति को भगवान कृष्ण की रथ यात्रा दिखाने ले जा रहा हूं। रथ यात्रा? हाँ, उसकी इच्छा है, वो रथ यात्रा में हिस्सा लेना चाहती है। गोपी, मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इस साल रथ यात्रा में मैं भी जरूर हिस्सा लूं। तो तुम भी चलो ना। लेकिन हम दोनों, मैं भी सीबी ऑफिसर को वादा कर चुका हूँ। गोपी, अगर ज्योति को रथ यात्रा में हम अपने साथ ले जाएं तो? ये ठीक है गोपी, तुम खान साहब के साथ स्नूकर खेल लेना, मेरी भी पूजा हो जाएगी और ज्योति भी रथ यात्रा में हिस्सा ले लेगी। ठीक है, काम भी तो पूजा ही है, मैं खान के साथ स्नूकर खेल लूंगा, आप जाइए। थैंक्स गोपी। रीटा, तुम गोपी को मेरे कुछ मनपसंद शॉट्स की प्रैक्टिस करवा दो। ओके, आओ गोपी। Yeah!
धरती है, धरती पे पग धरती है, बरस के बरस सवारी है, गलियों से गुजरती है, सारी कृष्ण की धरती है, धरती पे पग धरती है, बरस के बरस सवारी है, गलियों से गुजरती है, शान निराली है लेकिन, शान निराली है लेकिन, आज की अब के साल की खत्म। ये गेम तो आपने जीत ली जॉनी साहब, लेकिन याद रखिएगा एक न एक दिन हर एक को हारना पड़ता है, और इंशाअल्लाह उस दिन हमारा निशाना देखिए। अरे जरूर देखेंगे और दाद भी देंगे अगर निशाना काबिले तारीफ हुआ तो। चले खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर चोपड़ा बोल रहा हूँ। अभी अभी रथ यात्रा से मूर्ति चोरी हो गई। क्या मूर्ति चोरी हो गई? घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद ही मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर ज्योति की इंफॉर्मेशन के बाद
हमने असली मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रख दी थी। तुम ये बताओ चोरी की किसने? सर ये चोरी जॉनी ने की है। What nonsense! या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। जॉनी अभी अभी यहाँ मेरे साथ स्नूकर खेल रहा था। यकीन कीजिए सर वो जॉनी ही था। मेरी गोली उसकी टांग में लगी लेकिन वो हेलीकॉप्टर से भाग निकला। हर्षा अगर तुम्हारा निशाना ठीक लगा है तो आज शाम को स्टेडियम में उसका डांस प्रोग्राम है, वहीं देख लेंगे। यू आर लकी जॉनी, जख्म गहरा नहीं है। आज आराम कर लो, कल तक ठीक हो जाओगे। मैं शाम का शो कैंसिल कर लेती हूँ। नहीं रीता, इंस्पेक्टर को चकमा देने का सबसे अच्छा मौका यही है। आज रात मेरी जगह गोपी के साथ तुम शो में जाओगे। अशोक कैसा जमाना है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या बात है, प्रोग्राम का टाइम तो हो गया? जी हाँ 15 मिनट हो गए लेकिन जॉनी का कहीं पता नहीं। वो आएगा मिस्टर चोपड़ा। खान साहब उसे कांटा नहीं गोली लगी है टांग में, कैसे आएगा वो? दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे
ये पहचानता है इस जहां में कहीं कोई मुझसा नहीं इस जहां में कहीं कोई मुझसा नहीं मैं सबके दिल में अपनी तस्वीर लगा गया मैंने कहा था मैं आऊंगा ए वादा किया था मैं आ गया दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे छा गया ए मैंने कहा था मैं आऊंगा ए वादा किया था मैं आ गया आइए आइए खान साहब वेरी वेल डन जॉनी साहब आपने तो वाकई हमें हैरानी में डाल दिया क्या डांस किया आपने कंग्रेचुलेशंस हैरान तो मैं भी हूं खान साहब पैर में इतना दर्द होते हुए भी ये प्रोग्राम कैसे शायद आपके डर से कांपने लगा था और लोग समझे कि मैं नाच रहा हूं पांव में कोई चोट लगी है क्या पता नहीं चोट कैसी है लेकिन दर्द तो ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने गोली मार दी हो मैं चल सकता हूं सर गोपी के नाम चल गया गोपी की दादी मां 13 तारीख को आ रही है 13 तारीख तो कल है गोपी अरे ए गोपी अरे हम यहाँ हैं यहाँ आ अरे तू तो कूल गांव के रीति रिवाज भुला गए दादी माँ के पांव छुए के चाहिए ना अरे रे रे दादी जी भूल ही गया था जी इतना खुश रहा अरे तू तो ये कपड़े में शहरी बाबू लागत है शहर में बस ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते दादी जी ये क्या दादी जी लगा रखा है कोई गलती हो गई काहे नहीं गलती हो गई गांव में दादी माँ नहीं कात रहे अरे दादी माँ माफ करना जग जियो पाए लगू दादी माँ तो शहर में इतना अच्छा अच्छा कपड़ा मिला था तो का खाए कि नहीं मिला था क्यों अरे बात दुबरा गए रे बुरा मत मानिए जाने साहब कैमरा आपको देख के अपने आप क्लिक हो गया सुनो मिस्टर इसके एक कॉपी मुझे भेज सकते हो श्योर सर मैं खुद दे जाऊंगा थैंक यू सर आइए दादी जी अरे अरे दादी माँ आओ आओ दादी माँ ये तो हार सब घर है हाँ आओ हाय राम दादी माँ ये है रामू हाँ घर की देखभाल के लिए हाँ। और ये है शामू खाना बना पकाने के नहीं बेटा तू तो जना था हम कोई को छुआ खाइत नहीं अपना भोजन खुद पकाई बखा भा ठीक है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इन्हें बता देना बस तो का तू इस घर में नहीं रहता नहीं दादी मां रहता हूँ लेकिन अक्सर काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है अरे बाप रे मैं चला मेरी मीटिंग अरे सुन तो ये सब सामान तो रहे हो ना हाँ दादी मां सब मेरा है सुना कोनो पाप का काम तो नहीं करता ना तेरा बेटा कभी कोई पाप का काम नहीं कर सकता दादी माँ मैं जाऊँ सूरज डूबे से पहले आ जाए हाँ आ जाऊंगा लेकिन तू भगवान से मांग के मेरा काम हो जाए बेटा हो जाए फिर क्या हुआ फिर क्या होना था एक बार दादी जी की जगह जैसे ही दादी माँ समझ में आया तो तुम्हारा जॉनी
गोपी बनकर बिल्कुल दादी माँ के चरणों में समा गया। और दादी माँ गोपी गोपी क्या कर ली पड़ गई। जॉनी कल रात डांस शो में कमाल हो गया, यहां भी एक कमाल हो गया। क्या हुआ? अचानक अंधों को आंखें मिल गई हैं। क्या मतलब? तुम्हारी ज्योति की आंखों की ज्योति गई नहीं, वो देख सकती है। देख सकती है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। वो अगर अंधी होती तो मुझे नहीं पता चलता, और उसे अंधी बनने की जरूरत क्या है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। अभी पता चल जाएगा वो अंधी है या नहीं। समुंदर है। हाँ, इसलिए इतनी अच्छी हवा है। अब तो बस तुम्हें यहीं की हवा खानी होगी। मतलब? जॉनी ने तुम्हारे लिए यही फ्लैट खरीदा है। अच्छा, जॉनी ने मुझे तो नहीं बताया। प्यार में बातें कही नहीं जाती, समझी जाती हैं। आओ। आओ, कदम बढ़ाओ। जैसे ही तुम्हारा पांव जमीन को छुएगा तुम अपने फ्लैट में होगे। अभी क्या होने वाला था? ये जालिम लोग। कौन जालिम लोग? ये जॉनी और रीटा। अभी तुम्हारी जान ले लेते। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है जॉनी। क्या मतलब? मैं देख सकती हूँ। और अब यू आर अंडर अरेस्ट। तुम? हाँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर ज्योति हूँ जॉनी। पुलिस? बोलो बोलो, वो मूर्ति कहाँ है जो तुमने रथ यात्रा से चुराई है? कौन सी मूर्ति? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वो मूर्ति चुराते हुए देखा है जॉनी। मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई। और ज्योति, मैं जॉनी नहीं, गोपी हूँ। गोपी, जॉनी आओ मेरे साथ। वो देखो, वो रहा जॉनी। वो मेरा हम शक्ल है, मूर्ति उसी ने चुराई होगी। आओ मेरे साथ। गुड इंस्पेक्टर ज्योति, देखिए मैं भी ठीक वक्त पर पहुंच गया। चलिए मिस्टर जॉनी। नहीं इंस्पेक्टर चोपड़ा, ये जॉनी नहीं, गोपी है, जॉनी का हम शक्ल। ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, मैंने अभी उसे कार में जाते हुए देखा है। लगता है अंधी होने की एक्टिंग करते करते आप प्यार में अंधी हो गई हैं और जॉनी को बचाना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास जॉनी की गिरफ्तारी के वारंट है। अरे ये लोग तो जॉनी को गिरफ्तार कर रहे हैं। स्मोक बम फेंको। गिरफ्तार कर लो इन्हें।
तो आपने उसे भगा दिया? क्या मतलब? मतलब साफ है मिस ज्योति, और मैं आपको कानूनी काम में रुकावट डालने और मुजरिम को भागने में मदद देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। आपका इल्जाम सरासर बेबुनियाद है मिस्टर चोपड़ा। फिर भी चलिए, लेकिन पहले मैं सीबी अफसर मिस्टर खान से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। तुमने अपनी सफाई में जो भी कुछ कहा है, हो सकता है वो सच हो, लेकिन इंस्पेक्टर ज्योति, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हम पुलिस वाले जब भी कोई केस लेते हैं उसमें हर शक को यकीन मानकर उसकी तह तक पहुंचते हैं, तभी फैसला करते हैं। मैं भी जब तक तुम पर लगाए गए इल्जाम की पूरी पूरी इंक्वायरी नहीं कर लेता, तुम्हें ड्यूटी पर नहीं रह सकता। फॉर द टाइम बीइंग यू आर सस्पेंडेड। आप इंक्वायरी कर लीजिए सर, लेकिन मैं भी ये साबित करके रहूंगी कि जॉनी और गोपी एक नहीं, दो आदमी हैं। आओ जानी। देखा तुमने, सुप्रीमो की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। अगर हमारे आदमी वक्त पर नहीं पहुंचते तुम इस वक्त हवालात में होते, और अगर ये मूर्ति पुलिस के हाथ लग जाती तो ये तुम्हारी दूसरी गलती होती जानी। और तुम जानते हो सुप्रीमो दूसरी गलती माफ नहीं करता है। हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, कल सुबह ठीक 10 बजे हम हिलटॉप पर मूर्ति का इंतजार करेंगे। ओके, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। हेलो। हाय डैड। कल जॉनी हमें मूर्ति की डिलीवरी दे रहा है। तुम्हें जॉनी के पेपर भेजे थे, मिले? हाँ डैड, जॉनी, जॉनी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसका असली नाम गोपी है। गोपी? या, अरे वो अपने रामगढ़ के अफीम के खेतों में काम करता था। That's fine. अगर आप कल वहीं हैं, तो मैं बॉम्बे आ जाता हूँ। आ जाओ। Okay, see you, Dad. जॉनी। समझ चोर, डाकू, धोखेबाज। क्या मतलब? क्या मतलब? धोखेबाज, कहाँ है तेरी साल की 12 फसलें? झूठे, उठ। गुप्ते, क्या हो गया तुझे? साला गैर कानूनी काम करता है, मुझसे कहता है देश की भूख और गरीबी मिटाएगा। अरे राम कसम, हम तो काज मिटा कर रख दे। देखो भी, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा रहा। उसके मतलब सिर्फ मूर्ति है। मूर्ति? हाँ। कौन सी मूर्ति? जो तुम्हारा बाप सुप्रीमो मुझसे मांग रहा था। सुप्रीमो? पापी, भगवान की चोरी करता है। मैं अभी पुलिस में जाकर तेरी रिपोर्ट करता हूँ और तेरे सारे काले धंधों की पोल खोलता हूँ। गोपी, तुझे तेरी दादी माँ जिंदा चाहिए कि नहीं, बोल। दादी माँ? हाँ। ये देखो, कहाँ है मेरी दादी माँ? अभी तक तो सही सलामत है। अगर तुम अपनी दादी माँ की जिंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब ये बताओ, सुप्रीमो से तुम्हारी क्या बातें हुई? वो कल 10 बजे हिलटॉप पर मूर्ति लेने आएगा। बेटा, कल सुबह 10 बजे हिलटॉप पर सुप्रीमो खुद मूर्ति लेने आ रहा है।
मैंने सब इंतजाम कर लिया है और कल ठीक टाइम पर मैं हिलटॉप पहुंच जाऊंगी। गुड। हेलो, इसकी चाबी? ओह, आई एम सॉरी, चाबी मेरे पर्स में रह गई है, मैं अभी लाती हूँ। मैं बॉल लेके आता हूँ। बोलो बोलो ना, घबराने की बात नहीं है। डर गया बैठ बैठ बैठ। हेलो जॉनी, गोपी के बेटे राजू ने मुझे सुप्रीमो की लाश डिक्की में रखते हुए देख ली है। राजू वहाँ कैसे पहुँच गया? पता नहीं, शायद स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर आया होगा, वो यहाँ एक घर में जा छुपा है। तो वही ठहरो, मैं आ रहा हूँ। लो बेटा पानी पियो। क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है, कोई तुम्हारे पीछे है? जंगल में कार। क्या तुमने कोई जंगली जानवर देखा है? कार में। कार में बेटा? कार पापा। आपका बेटा है? जी हाँ। शायद डर गया है, लगता है सही है। एनीवे थैंक यू वेरी मच। फिर उसने कार पीछे की और आदमी को घसीट कर डिक्की में डाल दिया। और आप जानते हो? सब जानता हूँ बेटे। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा सुप्रीमा की लाश डिक्की में। सुनो, गाड़ी मेरे लिए छोड़ दो और तुम राजू को ले जाओ। बाय। गोपी, 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 मुझे माफ कर दे गोपी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम जैसे एक भोले और शरीफ आदमी को धोखा दिया, मैंने तुम्हें बुरे काम में फंसाया। मैं नीच हूं, कमी ना हूं। भगवान ने मेरे किए की सजा दे दी गोपी, मैं और ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं हूं। क्या हुआ तुम्हें? कैंसर। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा मैं और 3 महीना बच सकता हूं।
गोपी, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे माफी के काबिल नहीं हूं, फिर भी मरते हुए आदमी की एक ख्वाहिश पूरी कर दो। ये लो, लो, ये मेरे घर की चाबियां हैं, मेरी सारी जायदाद, मेरे सब रुपए पैसे सब तुम्हारे हैं। तुम चाहो गरीबों में बांट दो, दान दे दो। मेरे लिए तो ये दुनिया आज से पराई हो गई भाई जानी। और हाँ, तुम्हारी दादी माँ मडलन पे कॉटेज है कमल कुंज, उनसे कहना मेरी तरफ से उनके चरण छूना। और कॉटेज कमल कुंज, लेकिन जॉनी तुम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर वाला है गोपी, जब से क्या हुआ? कुछ नहीं, जो बोया है वही काटूंगा भैया। दादी मां तुम्हें मिलने के लिए तड़प रही है, जाओ तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाओ। गोपी, मेरे लाल। अरे गोपी, कहाँ चला गया था रे? हमको माफी दे दो दादी माँ। क्या किया है तुमने? अपनी मंजिल पावे खातिर हम यहाँ आए दादी माँ, लेकिन रास्ते में दम लेवे के लिए जोन पेड़ के नीचे रुक रहे, हमको पता नहीं रहे कि वो पाप का पेड़ है। तो कहा तो उसे कोनो पाप हो गए? नहीं दादी माँ नहीं, हम तो और कसम खाए हैं, हम मर जाइए पाप नहीं करब। चल हम गाँव चल रहे, चलना तू बैठा। माफ कीजिएगा, हमें आपकी गाड़ी की तलाश लेनी है। क्यों? हमें खबर मिली है कि आपने किसी का खून कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? आप गाड़ी की चाबी देंगे? अरे हाँ? क्या बात है बेटा? कछु नहीं दादी माँ, इन्हें शक है। नहीं, ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया दादी माँ। पापी हत्यारा, दादी माँ हमसे कहत रहा दादी माँ, हम कौनो पाप का काम नहीं करो तो ये कहा? दादी माँ हम सच कहते, ये खून हम नहीं किए। के बच्चे सच बता, ये खून के किए सर? नहीं, हमार बेटा खूनी नहीं हो सकत, हमार बेटा खूनी नहीं हो सकत। बोल दादी माँ, ये खून हम नहीं किए। दादी माँ ये खून हम नहीं किए। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ दादी माँ। हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे हम खूनी नहीं है, हम खूनी नहीं है दादी माँ। साहब गाड़ी रोकिए, आगे बारूद बिछा है। क्यों, मुझे जिंदा देखकर हैरानी हुई? हरामजादे मूर्ति की जगह बम भेजता है? कहाँ है मूर्ति? मूर्ति मेरे पास नहीं है, मूर्ति जॉनी के पास होगी। मैं जॉनी नहीं गोपी हूँ, जॉनी का हम शक्ल। आप तो मुझे पहचानते हैं। हाँ मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ,
तू ही गोपी है और तू ही जॉनी है। बोल मूर्ति कहाँ है? मूर्ति मेरे पास नहीं है। आप मेरी बात तो मानिए। कह तो रहा हूं मूर्ति मेरे पास नहीं है। मूर्ति चाहिए तो जॉनी को पकड़ो। मेरी जान तो तुम कभी भी ले सकते हो, मैं तुम्हारी कैद में हूं, लेकिन एक बार जॉनी को तो ढूंढो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मोटी, हो सकता है ये सच कह रहा हूं। अगर जॉनी को दूसरा आदमी है तो उसे तलाश करो। बेटा, अभी हम लोग ये मुल्क छोड़ रहे हैं, वो बच्चा कहाँ है? अंदर। सुनो, पुलिस हमारे पीछे है, तुम वो मूर्ति और सारे लॉकर से माल निकल कर मेरा इंतजार करो। तब तक मैं इस बच्चे को ठिकाने लगा देता हूँ। ठीक है, गो। चले गए थे, मुझे जल्दी खोलो ना पापा। रीटा आंटी मुझे बांध कर चली गई। तेरी रस्सी ही तो खोल रहा हूँ बेटे। कैसे आई? मैंने रखी थी पापा। तुमने? ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? माँ ने दी थी। तुम्हारी माँ? हाँ पापा, उन्होंने कहा था ये तुम्हारे पापा हैं, उन्हें ढूंढना, ये कह के वो मर गई। बेटे? हाँ पापा, तो मैं वो बहुत याद करती थी। मेरा बेटा, बेटे, बच्चे, मेरे बच्चे, बेटे, पापा, मुझे भगवान ने आज बचा लिया बेटे, वरना अपने ही खून का खून कर देता। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आओ, इस बच्चे को भी उठा के लाओ। कदम बढ़ाओ, जैसे ही तुम्हारा पांव जमीन को छुएगा तुम अपने फ्लैट में होगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे नए फ्लैट, जेल की कोठरी ले चलती हूं। मिस रीटा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये मूर्ति मुझे दे दो और तुम मेरे साथ चलो। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। जॉनी के साथ मिलकर तुम आज तक पुलिस को बहुत दिनों तक धोखा देती रही। आज मैं तुम्हें स्मगलिंग के जुर्म में सबूत के साथ गिरफ्तार करती हूं। Thank you.
जॉनी। जॉनी? जॉनी मैं नहीं हूं, मैं तो गोपी हूं। सीधे सीधे बोलो, मूर्ति कहाँ है? मूर्ति मेरे पास नहीं है, मूर्ति तो जॉनी के पास होगी। बग्स, ये कुत्ता ऐसे नहीं मानेगा, लटकाओ इसको भी। अरे अरे भाई मैं गोपी हूं। जॉनी कौन है ये अभी मालूम पड़ जाएगा। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। जॉनी मैं नहीं, जॉनी वो है, ये झूठ बोल रहा है। अपने पाप मेरे सर थूमना चाहता है कमीने, तूने तो मुझे भी पापी बना दिया। इसकी बात का विश्वास मत करो, जॉनी ये है, गोपी मैं हूं। मेरे पास जॉनी और गोपी को पहचानने का चश्मा है। दादी माँ, बोल बुढ़िया, इनमें से तेरा गोपी कौन है, पहचान। अरे अरे तुम क्या समझत हो, हमरी दादी माँ हमका नहीं पहचानत का। हाँ, दादी माँ हम तुम्हारे गोपी हैं, देख दादी माँ ये लोग कैसन मार रहे हैं हमको। नहीं दादी माँ, तुम्हारे गोपी हम है ये नहीं, ये तो सारा चोर है। दादी माँ हम झूठ ना कह रहे हैं। सुप्रीमो, तुम्हारी दुश्मनी जॉनी से है, मेरी दादी माँ को क्यों पकड़ रहे हो, इनका क्या कसूर है? इसका कसूर ये है कि तुम दोनों में से एक की एक दादी है। इस बुढ़िया को उठा के पानी में फेंक दो, साथ में इस बच्चे को भी पानी में फेंक दो। नहीं पापा, पापा मुझे बचाओ पापा। हेलो पापा, पापा मुझे बचाओ पापा। मैं बताता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। सुप्रीमो मैं बताता हूँ, मूर्ति रीटा के पास है, तुम उसे फोन करो, मूर्ति तुम्हें मिल जाएगी। उठाओ फोन। कौन जॉनी? रीटा, हम सुप्रीमो के कैद में हैं। हेलो रीटा, जॉनी के दोनों सूरतें, दोनों जिस्म हमारी बंदूकों के निशाने में हैं। एक घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने मूर्ति यहाँ नहीं पहुंचाई तो इन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। तुम जॉनी को प्यार करती हो ना? प्यार? सुप्रीमो हमारे बिजनेस में रुपया ही प्यार है, और इस वक्त मुझे मूर्ति के सिवा और किसी से प्यार नहीं। तुम मेरी तरफ से भी जॉनी को एक गोली मार दो। हेलो हेलो, तुम उस मूर्ति की पूरी कीमत नहीं हासिल कर पाओगी, और मूर्ति बेचना इतना आसान काम नहीं। हम तुम्हें मूर्ति के बदले मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। तुम वहीं रुको, हम खुद आ रहे हैं। नहीं, यहाँ बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस है, तुम रुपया तैयार रखो, मैं आती हूँ। ओके, तुम जल्दी से लेक वैली पहुंच जाओ। तुम सुप्रीमो से बात कर रही थी? हाँ, गोपी भी उसी की कैद में है। अब बोलो तुम गोपी की जिंदगी चाहती हो या नहीं? गोपी। डैड, रीटा अभी तक नहीं आई, और थोड़ी देर देखते हैं। कौन है? मैं, और मैं ज्योति। मूर्ति किसके पास है? हमारे पास। कहाँ है? हम मूर्ति देने नहीं आए हैं, मूर्ति का सौदा करने आए हैं। कैसा सौदा? हमें मूर्ति की कीमत चाहिए। ये दोनों जिंदा चाहिए या मूर्ति की कीमत चाहिए? मूर्ति की कीमत। बकवास मत करो रीता, मूर्ति सुप्रीमो को दे दो। रीता, तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? धोखेबाज, बदमाश, एक जैसी शक्लों का फायदा उठाकर तुम दोनों हमारी इज्जत से खेले हो। अब हमारा खेल देखो। सुप्रीमो, मूर्ति का सौदा अब इन दोनों की लाशों पर होगा।
अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। हरामजादी धोखा देती है। ढूंढो उन सारे गोपी और जॉनी को। गोपी तुम इनको संभालो, मैं पोस्ट के गार्ड्स को उड़ा के आता हूं। जाओ एक एक कोना छान मारो, भागने ना पाए सारे हरामजादे। कीजिए वो दिन मोंटी साहब, जिस दिन आपने पूरे गांव के सामने बेकसूर मुझे चाबुक मारकर मेरी दादी मां का दिल दुखाया था। उस दिन हमने दादी मां के सामने कसम खाई थी कि एक दिन हमारे हाथ में चाबुक होई और सामने मालिक का पीठ। आज वो दिन आ गया। Ah!
अपने अपने हथियार फेंक दो और वहां से चुपचाप चले आओ। जॉनी साहब, मैंने कहा था ना, एक दिन हमारा निशाना भी देखना। यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए। पापा 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 पापा, तुम चले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे भी साथ ले चलो ना पापा। चलिए मिस्टर जॉनी। इंस्पेक्टर साहब, अब फिर भूल कर रहे हैं। जॉनी ये नहीं, जॉनी मैं हूं। नहीं पापी, तुम्हारे मुझ पर बहुत से एहसान है, एक एहसान और कर दो। जब तक मैं जेल से वापस नहीं आता, राजू को अपने साथ रख लो। राजू हमारा बच्चा है, ये हमारे साथ रहेगा। क्यों राजू, रहोगे ना? एक शर्त पर, पापा के वापस आने के बाद आप दोनों एक साथ रहेंगे, आमने सामने।